हेलो दोस्तों, रेलटेल के बारे में बात करेंगे। डिविडेंड लेकर आ रही है कंपनी, जनवरी में डिविडेंड इसका डिक्लेयर होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, उसके बारे में बताएंगे। कंपनी के बारे में भी दोस्तों डिस्कस करेंगे। जनवरी 10 सोमवार का दिन है, आपको नोट करके रखना है। उस दिन रेलटेल डिविडेंड कंसिडर करने वाली है। डिविडेंड के बारे में हमको आइडिया मिलेगा। इंपॉर्टेंट डेट भी बता देता हूँ, 21 जनवरी रिकॉर्ड डेट रहेगी ये, जो भी डिविडेंड 10 तारीख को हमको पता चलेगा। और पेमेंट जो है डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर हो जाएगा। तो जनवरी 10 और उसके 30 दिन के अंदर पेमेंट भी हो जाएगा। अब जब हम रेलटेल की बात करते हैं, तो पिछले साल फरवरी में ही इसका आईपीओ आया था। आईपीओ इनफैक्ट ये कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2 डिविडेंड दिए थे, एक 1 रुपए का और एक 1 रुपए 20 पैसे का। मतलब 2 रुपए 20 पैसे का डिविडेंड दिया जा चुका है, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का। इस साल का हमको पता चलेगा जनवरी 10 को। अब स्टॉक के बारे में बात करें, तो आईपीओ में मैंने देखा था बहुत क्रेज था पिछले साल भी। मतलब बहुत ही एक्सपेक्टेशन थी फरवरी में जब इसकी लिस्टिंग हुई थी। आप देख सकते हैं आईपीओ, जब भी आईपीओ के बाद स्टॉक प्राइस भी आप देख सकते हैं 160-165 के लेवल तक भी पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद स्टॉक ने एक तरीके से निराश ही किया है। 119-120 के पास ही स्टॉक अभी आपको ट्रेड करता हुआ नजर में आएगा, जब आप रेलटेल की बात कर रहे हैं। बीच बीच में ऐसे भी मोमेंट्स आए हैं जब स्टॉक 100 के पास पहुंचा है, 100 के नीचे तो अभी तक गया नहीं है। लेकिन एक किसी ने आईपीओ में भी अगर किसी ने लेके रखा होगा, तो उनके लिए रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं रहा है। अब रेलटेल पर हम बात करें कि ये कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं इंडियन रेलवे के, टेलीकॉम के हो सकते हैं, फाइबर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, तो वहां पर रेलटेल का एक तरीके से काम है। लगभग 60,000 किलोमीटर का रेलवे का काम है। और यहाँ पर जो भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है, वहां पर रेलटेल है, एक तरीके से मोनोपोली है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर भी फ्यूचर में आ सकते हैं, बट फिलहाल रेलटेल का ही यहाँ पर काम है। अब ऑर्डर्स की बात करें, 5,600 करोड़ की ऑर्डर बुक भी है सितंबर 2021 में, जो कि एक मजबूत ऑर्डर बुक है। कंपनी डेट फ्री है और 300 करोड़ का प्री कैश फ्लो है, मतलब कैश बैलेंस है, सॉरी कैश बैलेंस 300 करोड़ का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यस, नेगेटिव में अगर आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है डिक्लाइन हुई है, परसेंटेज ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। 100 रुपये में पहले 29 रुपये से ज्यादा कमाती थी, अभी वो 23 रुपये के आसपास वो कमा रही है। नंबर्स बता दूं, स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क ज्यादा है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, लगभग 4,000 करोड़ के आसपास ये मार्केट कैप, 120 का इसका प्राइस है। अगर आप आरओसी आरओई देखेंगे तो डिसेंट है, बहुत ग्रेट नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। 10% 14% है, ठीक ठाक है। डेट फ्री कंपनी है, ये पॉजिटिव है। बाकी गवर्नमेंट का सपोर्ट है, पूरी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। जब आप रेलटेल की बात कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे कैश की बात करेंगे तो देखिए 300 करोड़ का कैश। आप देखते हैं कि डिविडेंड में कितना डिविडेंड आता है। अगर अच्छा खासा डिविडेंड हुआ तो हो सकता है इंटरेस्ट भी आए इन्वेस्टर्स को, बट हमको 10 तारीख को पता चलेगा। बाकी सेल्स ग्रोथ 19% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 6.7% का है। मार्जिन पिछले कुछ सालों में कम हुए हैं, अगर आप रेलटेल की बात कर रहे हैं तो। बाकी की दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है, 10 तारीख को आपके सामने हम लाएंगे। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।